हमारा ब्रह्मांड अनंत है और इसमें करोड़ों गैलेक्सियों के साथ करोड़ों अरबों ग्रह मौजूद हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हमारे रहने लायक पृथ्वी जैसे या कहीं पृथ्वी से भी बेहतरीन ग्रह हो सकते हैं। इसी कड़ी में दशकों की खोज के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों ने बहुत से ऐसे ग्रह खोज निकाले हैं जिन्हें पृथ्वी जैसा या कहें पृथ्वी से भी बेहतर कहा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं ग्रहों के बारे में। दोस्तों, यूं तो अनंत ब्रह्मांड में इन ग्रहों को खोजने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, मगर उन तरीकों में से सबसे बेहतरीन तरीका ट्रांजिट मेथड है, जिसमें किसी स्टार का चक्कर लगा रहे ग्रहों को डीम लाइटिंग को रीड करके उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। इसी मेथड का इस्तेमाल करके एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को खोजा गया था जिसके बारे में जानकर आप ये कह सकते हैं कि ये खास तौर पर हम इंसानों के लिए ही बना है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम ग्लीज 581G है और इसकी खोज साल 2010 में की गई थी, और तभी से ये प्लैनेट स्पेस रिसर्च की दुनिया में एक सनसनी बना हुआ है। और इसके पीछे की प्रमुख वजह ये है कि ये प्लैनेट हमारी अर्थ से महज 20 लाइट ईयर्स दूर है, और दूसरा ये कि ये ह्यूमन सर्वाइवल को बहुत ही ज्यादा सूट करता है, यानी कि इंसान चाहे तो इस ग्रह पर आराम से रह सकते हैं। इस प्लैनेट की सबसे खास बात ये है कि ह्यूमन के अलावा एनिमल सर्वाइवल के लिए भी ये प्लैनेट काफी ज्यादा सूटेबल है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ इस प्लैनेट का एक फेस इसके स्टार की तरफ है, तो वहीं इसके दूसरे फेस पर बिल्कुल डार्कनेस रहती है, और इसी कांस्टेंट स्थिति की वजह से इस प्लैनेट के बीच वाले हिस्से पर एक हैबिटेबल जोन बन जाता है जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। लेकिन अगर ये प्लैनेट इतना ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है, तो आखिर वो क्या वजह है जो हमें इधर जाने से रोक रही है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्लैनेट के ऊपर 11 सालों में अभी तक केवल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा ही रिसर्च की गई है, और किसी भी प्लैनेट के ऊपर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए दो इंडिपेंडेंट स्टडी का कॉमन होना बहुत जरूरी है। लेकिन ग्लीज 581G पर अभी एक ही स्टडी हुई है, इसलिए अभी इसके बारे में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी ही होगी। अब बात करते हैं एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की जो पानी से लवरेज है। दरअसल साल 2009 में अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने केपलर नाम की एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की थी, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इसे स्पेस में अर्थ जैसे ऐसे और भी प्लैनेट्स को खोजना था जहां पर फ्यूचर में जीवन संभव हो पाए। केपलर की इस खोज में उसे सफलता मिली जब अनगिनत डेटा कलेक्शन करने के बाद उसे हमारी अर्थ से 1200 लाइट ईयर दूर एक स्टार सिस्टम मिला, और इस स्टार सिस्टम में मौजूद केपलर 62E नाम के प्लैनेट ने सभी वो कंडीशंस फुलफिल की जो हमारे साइंटिस्ट्स ढूंढ रहे थे। इस एक्सोप्लैनेट की खास बात ये थी कि ये एक्सोप्लैनेट अपने आप में एक वाटर वर्ल्ड था। इसके साथ साथ ये प्लैनेट हमारी अर्थ से करीब 1.6 गुना ज्यादा बड़ा था। दोस्तों, इस एक्सोप्लैनेट के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स मानते हैं कि इस प्लैनेट का आसमान काफी ज्यादा क्लाउडी है जो इसके पोल्स को काफी ज्यादा वार्म और ह्यूमिड बना देता है, और यही वजह है कि ये प्लैनेट ह्यूमन सर्वाइवल के लिए आने वाले वक्त में बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, जब भी हमारी पृथ्वी और इस जैसे कई और अंतरिक्ष में फैले अलग अलग प्लैनेट्स का जिक्र होता है, तब तब वहाँ प्रोक्सिमा बी का जिक्र जरूर आता है। प्रोक्सिमा बी हमारी पृथ्वी की ही तरह लिविंग एक्सोप्लैनेट है जो कि साइज में हमसे 5 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी बनावट और टेम्परेचर लगभग पृथ्वी जैसा ही है। इसका टेम्परेचर से लेकर एटमॉस्फेयर तक हमें अर्थ जैसा ही महसूस होगा। इस एक्सोप्लैनेट की सबसे खास बात ये है कि ये हमारी अर्थ से मात्र 4 लाइट ईयर्स दूर ही स्थित है, जो कि प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम के स्टार के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये स्टार हमारे सोलर सिस्टम के स्टार यानी कि सन का सबसे करीबी स्टार है। प्रोक्सिमा बी को लेकर कई स्पेस साइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि इसका एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट लिक्विड वाटर को होल्ड करने के लिए सक्षम है, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि जो समस्या हर एक्सोप्लैनेट के सामने आती है, वो प्रोक्सिमा बी के सामने भी आने वाली है, और ये समस्या है इस प्लैनेट के स्टार प्रोक्सिमा बी से आने वाली सोलर फ्लेयर्स। ये सोलर फ्लेयर्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि ये प्रोक्सिमा बी पर हमेशा ही ब्लास्ट करवाती रहती हैं। इसलिए साइंटिस्ट्स इस बात को मानते हैं
कि ये ब्लास्ट का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है, जिससे हमारे अर्थ जैसे प्लैनेट प्रोक्सिमा बी पर अभी जीवन संभव नहीं है। प्रोक्सिमा बी के बाद अब हम बात करते हैं एक और ऐसे एक्सोप्लैनेट की जिसे आप पृथ्वी का कजिन कह सकते हैं। दरअसल जब अर्थ से करीब 500 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस कॉन्स्टिलेशन में स्पेस रिसर्चर्स ने केपलर 186F नाम के इस एक्सोप्लैनेट को खोजा, तब उन्होंने इसे देखते ही इसे अर्थ का कजिन करार दे दिया। और वो इसलिए क्योंकि ये तो हमारे अर्थ से महज 18% बड़ा है, और दूसरा ये कि ये एक्सोप्लैनेट अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में भी स्थित है। इसी वजह से इस जगह पर लाइफ सर्वाइवल पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। और इस प्लैनेट की सबसे अच्छी बात ये है कि हैबिटेबल जोन में होने की वजह से इस प्लैनेट पर लिक्विड वाटर होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, इस प्लैनेट का टिल्ट भी अर्थ की तरह ही स्टेबल है, जिसके चलते कई जानकार कहते हैं कि इस पर हमारी धरती की तरह ही मौसम बदलते रहते हैं, और यही इस प्लैनेट को लेकर सबसे बड़ी बात है, जिससे हमारे साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इस एक्सोप्लैनेट के ऊपर पानी जरूर हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर भी लगभग हमारी पृथ्वी के जैसा ही होगा। हालांकि हम चाहे कितनी भी इसके बारे में बातें कर ले, पर हाल फिलहाल सच्चाई ये है कि इस प्लैनेट पर जाना 10 जन्मों तक संभव नहीं है, क्योंकि ये हमसे काफी ज्यादा दूर है। पृथ्वी के कजिन के बारे में जान लेने के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की जिसे पृथ्वी का जुड़वा भाई कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। दरअसल केपलर ऑब्जर्वेटरी सिस्टम ने अर्थ से करीब 1700 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा एक्सोप्लैनेट खोज निकाला है जिसे स्पेस रिसर्चर्स भी अर्थ का ट्विन ब्रदर कह रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्सोप्लैनेट अर्थ से मात्र 30% बड़ा है, और दूसरा कि अर्थ की तरह ही ये प्लैनेट भी हमारे सन की ही तरह किसी स्टार की ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इस प्लैनेट का नाम KOI 5554.01 है, और इस पर इसके स्टार से आने वाली रेज की डेंसिटी भी उतनी ही है जितनी की रेज हमारे सन से हमारे अर्थ तक आती है। इसके साथ साथ ये प्लैनेट भी बाकी प्लैनेट्स की तरह अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आता है, जिससे यहाँ पर भी लिक्विड वाटर होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। भले ही हमने इस प्लैनेट को ढूंढ लिया हो, मगर हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये प्लैनेट हमसे इतने ज्यादा दूर है कि ना तो हमारे पास यहाँ जाने की टेक्नोलॉजी है, और न ही अभी तक साइंटिस्ट्स को यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में ज्यादा कुछ पता है। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की जिसने एलियंस को लेकर खोजकर्ताओं को नई आशा दी है। हाल ही में लगभग 4 साल पहले यानी कि 2019 में साइंटिफिक टीमों ने ये घोषणा की कि उन्होंने धरती से लगभग 124 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसे प्लैनेट की खोज की है जिसके वातावरण में पानी के सबूत मौजूद हैं। इस प्लैनेट का नाम K2-18b है, और जब से इसकी खोज हुई है तब से ही ये वैज्ञानिकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, क्योंकि पानी के सबूत मिलने के बाद इसकी मदद से हम इंसान एलियन लाइफ के बारे में पता लगा सकते हैं। इस प्लैनेट के बारे में दुनिया को भले ही साल 2019 में बताया गया हो, पर केपलर ने इसे 2015 में ही खोज निकाला था, और तब से ही स्प्रिट्जर और हब्बल टेलीस्कोप इसके कंपोजिशन की स्टडी कर रहे हैं। ये प्लैनेट धरती से लगभग 3 गुना बड़ा है, साथ ही इसका मास भी पृथ्वी से लगभग 8 गुना ज्यादा है, जो इस प्लैनेट को बहुत हद तक हमारे रहने लायक बनाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इन्हीं वीडियोस को अंग्रेजी में देखने के लिए अद्भुत मिस्ट्री इंग्लिश को एक बार जरूर विजिट करें। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा, नमस्कार।